हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम शिषपाल सिंह है। मैं आप सभी का ड्रीम बिग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो देखिएगा इसमें ये क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एलिमिनेट करना, रिमूव करना। तो हमारे पास यहाँ पे जनरली जो रहती है दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहती हैं इन दी टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स रहते हैं तो मतलब हम यहाँ पे रिमूव करेंगे दो वेरिएबल्स में किसी एक वेरिएबल को। तो एक वेरिएबल को जो हम रिमूव कर देंगे उसके बाद हमारे पास बचेगा वन वेरिएबल और वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो उसे सॉल्व करना फिर बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। तो आपको सबसे पहले नंबरिंग करनी है। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके कोफिशियंट्स को इक्वल कर देंगे, फिर विद द हेल्प ऑफ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन उनको एलिमिनेट किया जाएगा। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। अब देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4y है और 10 है, यहाँ पे 2x है और 2y है। तो आपको देखना है, समझना है कि अगर इस वाले कोफिशियंट को हम 4 बना दें तो ये प्लस का 4y है और ये माइनस का 4y हो जाएगा। तो जब ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जब पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। तो देखिएगा हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर टू बाय 2। इक्वेशन नंबर 2 है और उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इस वाले 2 को आप ऐसे राउंड कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बन जाएगी 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अभी ये क्वेश्चन बन गए, इसकी भी आप नंबरिंग कर दीजिए। इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3। आपको बोर्ड एग्जाम की जो आंसर शीट होगी उसमें भी ऐसे ही सॉल्व करके आना है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई और ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब यहाँ पे माइनस 4y है, यहाँ पे प्लस 4y है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होते, तो स्टेटमेंट लिखेंगे हम ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 एंड 3 को हम ऐड कर रहे हैं। तो देखिए लिखिएगा आप ऐसे तरीके से, फिर नीचे लिखेंगे 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x और ये दोनों क्या हैं, अलग अलग साइन के और इक्वल मैग्नीट्यूड है तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर माइनस 4y और प्लस 4y है तो कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 14। फिर x को अकेला कर देंगे, इधर ये मल्टीप्लाई में था 7, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, ये इसको 2 टाइम्स कट कर देगा। तो x निकल के आएगा आपका 2। इसको आप बॉक्स कर दीजिएगा, बॉक्स करना हमेशा जरूरी रहता है, एग्जामिनर को एकदम से दिखाई देगा आपका आंसर। फिर हमें अब y की वैल्यू निकालनी है, तो इस x की वैल्यू आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी। तो आप पुट करके रखिए, जैसे यहाँ पे सबसे सिंपल लग रहा है हमें कि हम 2 में करेंगे तो उसमें कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या है, 2 है, ये हो गया 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 4 उस तरफ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 2y माइनस 2, तो y आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 2 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू 1। इसको भी आप बॉक्स कर देंगे। तो एलिमिनेशन से क्या होता है, जो आपका सॉल्व करना है इक्वेशन वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। अब इसको करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप लिख सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम में आपको किसी एक मेथड से सॉल्व करने को आएगा और हो सकता है वो एग्जाम में आपको बोले भी, किसी से भी ना बोले, बस इससे लिखेंगे कि सॉल्व दी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा यही रहता है, एलिमिनेशन ही रहता है, इससे आपकी स्पीड अच्छी खासी रहती है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो देखिएगा सबसे पहले हम करेंगे नंबरिंग, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको दे दीजिए 1, फिर 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसको दे दीजिए 2,
अब देखिए सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, ये वाली अच्छी लग रही है हमें तो इसको हम ले लेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन टू वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y, मतलब 2y इस तरफ आ गया है ना, और x को और क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2y बाई 2। अब देखिए ऊपर भी हर जगह 2 है, नीचे भी 2 है, तो कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं उसे। कैसे करेंगे, इस तरीके से, ये देखिए ये 2 कट जाएगा तो x क्या निकलेगा, y प्लस 1, इसको आप कर देंगे बॉक्स। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल आपको यहाँ पे थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी यूज करना पड़ेगा, है ना, अवेयर रहना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या आ रहा है। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। लिखना चाहते तो इसको भी आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देते और वैल्यू आपकी वही आती, लेकिन उससे थोड़ा लेंथी हो जाता, टाइम आपका वेस्ट हो जाता, तो उस टाइम को हमें बचाना है क्योंकि टाइम बहुत प्रीसियस है। फिर अब देखिए इक्वेशन नंबर 21 से 2 से बना है, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो लिखेंगे सब्सटीट्यूट दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, 1 में सब्सटीट्यूट करना है, 2 में मत कर देना क्योंकि 2 से तो ये बना ही है, तो सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ दे रखा है 3, x की वैल्यू करनी है तो x की जगह क्या लिखेंगे, y प्लस 1, बाकी सब वैसा ही आएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब इसको ओपन कर दीजिए, 3y प्लस 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, y एक साथ है तो उनको ऐड कर दीजिए, 3y प्लस 4y हो गया 7y और 3 इस तरफ चला गया 10 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा 7y इज इक्वल टू 7, दैट इज y 7/7, y इज इक्वल टू 1, इसको भी आप बॉक्स कर देंगे। तो हमारा y की वैल्यू निकल के आ गई, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन नंबर 3 का यूज करना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, x क्या है, y प्लस 1 है, देखिए y प्लस 1 है, y की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 1 प्लस 1 दैट इज x 2 निकल के आता है, इसको भी आप बॉक्स कर देंगे। अब आप कंपेयर करिएगा दोनों वैल्यूज को, यहाँ पे आपकी y 1 आई है, x 2 आया है, यहाँ पे भी आपका y 1 आया है और x 2 आया है, मतलब ये सॉल्यूशन आपका सही है। तो स्टूडेंट्स ये था सेकंड पार्ट, इसी तरीके के और पार्ट्स हैं जो आप नेक्स्ट वीडियोज में देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।